हेलो फ्रेंड्स, आज सर क्वेश्चन डाक एंड वेलकम टू फ्लाहा एकेडमी। आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? तो हिंदी में कहें तो हिंदी में जब आपके सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में कोई चीज़ कंटिन्यूअस वे में चल रही हो। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यही चीज जैसे रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो आपका कहलाता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आती है इंग्लिश की बारी, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में इसको पहचानते हैं टेंस को बाय हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? इज, एम और आर। इज, एम और आर, इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर। तो आपका जो इज का यूज होता है वो किसके साथ होता है? आपका सिंगुलर के साथ। और आर का यूज होता है वो प्लूरल के साथ। और स्पेशल है आपका एम, तो एम का ही होता है आई के साथ, आई एम। और जैसे ही इज, शी इज, इट इज। और अगर इसमें आएगा तो वी आर, दे आर, यू आर। आया समय में ये? इस तरह से आर, इज, एम और आर का यूज होना है। अब हम पहुंचते हैं सिंपल सेंटेंस से पहुंचते हैं। पहला आपका आता है सिंपल सेंटेंस, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं बात को कि हमेशा ध्यान रखना, इस यूनिवर्सल लॉ है आपका, अगर आप कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ये कंटिन्यूस में हमेशा होगा, और कंटिन्यूस की पहचान भी यही है, अगर आपका वर्ब के साथ आईएनजी आता है इसका मतलब वो आपका कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपका अब सिंपल, तो जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं आपका कौन सा है? आई, आई के साथ क्या यूज करेंगे हम? एम, आई एम। खाना खाना मतलब होता है आई एम ईटिंग फूड। ईट में क्या आ जाएगा आपका? आई एम, आई एम ईटिंग फूड। इसी के साथ वह मार्केट जा रहा है या फिर वो मार्केट जा रहा है, तो ही इज, ही के साथ क्या आएगा आपका? इज, ही इज गोइंग, वो आपका जाना और इसमें आपका आई एन जी, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज प्लेइंग अ सॉन्ग, या फिर जो भी आपको इस तरह से यूज करना। तो इसका कंटिन्यूस टेंस में आपका प्रेजेंट होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये चीज। तो अब इसी के साथ हम पहुंचे जैसे वी आर प्लेइंग अ मैच, वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं, हम सब हंस रहे हैं, तो वी आर लाफिंग। जैसे आई एम, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अभी आप क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल लॉ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नॉट। तो आपका सिंपल इसमें रहेगा, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंपल क्या चेंज हुआ? इज एम आर के बाद क्या आ गया आपका? नॉट। अब सिंपल जैसे कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ, और मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें मेन चीज होती है स्पीकिंग में, आई एम, एम, आई एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, और लगता थोड़ा, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करा है। आर नॉट को आप अरेंज पढ़ सकते हैं, एम नॉट को एंड, और इज नॉट को इजेंट। और स्पीकिंग में आपको बता दूं, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट, इन तीनों को आप एंड पढ़ सकते हैं। मींस ही एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड मींस आप यहाँ पे इज नॉट यूज करना था, लेकिन आप स्पीकिंग में इसको एंड वर्ड बोल सकते हैं, या आप इजेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, इजेंट भी सही है और एंड भी सही है। बेसिकली स्पीकिंग में आपका एंड का ही यूज होता है। जैसे वी आर नॉट प्लेइंग अ मैच, तो वी aren't प्लेइंग अ मैच, तो aren't जगह आप एंड यूज कर सकते हैं, वी aren't प्लेइंग अ मैच। तो एंड यूज आप aren't, aren't, isn't और आपका एंड, इन तीनों की जगह आप एंड यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आपका नेगेटिव हो गया ये। अब आपका आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा आपका? इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था कि आप जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ जाती है? सबसे पहले सेंटेंस के सबसे पहले, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट।
तो जैसे सपोज कोई भी हमें सेंटेंस बना दो, इसमें पहले आपका इज आगे आ जाएगा एम आई या आर। जिस तरह से जैसे मैं कहूंगा क्या मैं गाना गा रहा हूँ, तो इज क्या मैं तो मैं के साथ आपका आएगा एम, तो एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वो मार्केट जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू मार्केट, इज ही प्लेइंग अ गेम। बहुत इस तरह से आपका सिंपल तरीके के सेंटेंस थे, और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, फॉलो द फॉर्मूला, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना। कंटिन्यूस टेंस है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आई एन जी, और सभी में सिंपल रूल होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास हो या फ्यूचर हो, अगर आपका कंटिन्यूस टेंस है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगना ही है। इसी के साथ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिनिश होता है। थैंक यू।